हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ये स्टोरी एक एम्स जोधपुर के स्टूडेंट की है जिसने नीट 2020 क्रैक किया था अपने BA MS के फर्स्ट ईयर की पढ़ाई के साथ। जब मैंने पंकज की स्टोरी खुद सुनी तो मुझे खुद में इतना अच्छा लगा कि लाइक पीपल आर एक्चुअली ट्राइंग। सो आई डोंट वॉन्ट टू ब्रैग और समथिंग, बट जब मैंने अपनी जब मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं JLNMC से जब भागलपुर गई थी, जब मैंने ये स्टोरी सुनाई थी तो मेरा बेसिक मोटिव यही था कि ये एक स्टूडेंट को भी अगर मोटिवेट कर देगा तो आई विल फील कि मेरा वीडियो डालना एक्चुअली सक्सेसफुल रहा। बट आफ्टर दैट वीडियो आई गॉट लॉट्स ऑफ DM एंड लॉट्स ऑफ स्टोरीज एंड लॉट्स ऑफ पीपल एक्चुअली एक्नॉलेज्ड एंड दैट स्टोरी एक्चुअली मूव्ड देम टू टेक दैट स्टेप कि अपने फर्स्ट ईयर के साथ वो ये फिर अपनी लड़ाई फिर से लड़ने के लिए तैयार हूँ। जस्ट लिसन टू हिज स्टोरी एंड यू विल गेट इंस्पायर्ड। Hi everyone, myself Pankaj Yadav. I am currently pursuing my first year MBBS from All India Institute of Medical Science, Jodhpur. So first of all, I'd like to say Rashmi ma'am to invite me in the front of you guys to share my neat preparation journey. Thank you so much ma'am. Aur meri aur Rashmi ma'am ki jo story jo hai nearly similar hi rahi hai. Kya aisa hua ki kabhi-kabhi apan ek dream ke peeche itne pagal hote, itna struggle karte, lekin wo dream jo hai phir bhi tootta rehta hai, lagatar tootta rehta hai, jiske karan mind mein ओवरथिंकिंग, स्ट्रेसफुल, सुसाइडल थॉट्स तक आने लग जाते हैं। अपन अपने इतनी वर्स्ट कंडीशन में आ जाते हैं, अपन अपने पेरेंट्स से हेल्प लेने से डरते हैं, उनसे नजर मिलाने से डरते हैं। गाइज, मेरी स्टोरी जो है कुछ ऐसी सिमिलर रही है। मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है, जो परसेप्शन है, वो कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 11th और 12th से। बेसिकली मैंने क्लास 11th और 12th में कोई कोचिंग नहीं ली थी और यही मेरा सबसे पहला ड्रॉबैक और गलती जो है वो यही थी। स्टार्ट की जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की नीट के बारे में पता चला तो मैं मिड 12th में था, जिसके कारण मेरा माइंड जो है डेबिट हो गया जो CBSE जो एग्जाम है उनसे। यानी कि ना मैं नीट की तरफ रहा ना मैं 12th की तरफ रहा, जिसके कारण इतना अजीब सीन हुआ कि जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी, जो स्कूल वालों की एक्सपेक्टेशन थी कि भाई ये बंदा जो है हमारे लिए 95% से अबव स्कोर करके देगा, और रिजल्ट आया जब नीट और CBSE के एग्जाम्स का तो मेरा CBSE में एग्जाम जो है 33.8% रहा और CBSE बिना किसी कोचिंग के पहली बार नीट का स्कोर जो 359 रहा। 12th के एग्जाम के बाद जब नीट का रिजल्ट आया और एम्स का रिजल्ट आया, इन दोनों में मैं फेल हुआ। जितमर का आया इसमें भी मैं फेल हो गया, बट स्टिल माइंड में ये था कि हाँ मैंने एक साल जो है वो बिना किसी कोचिंग के 12th के साथ जब 359 स्कोर किया है तो मैं एक साल में कोचिंग के बाद अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं जीसे सीखकर जो है फर्स्ट टॉप लेने के लिए 2018 में गया। डेली क्लासेज जाता, पूरे कॉन्फिडेंस और अपना फोकस के साथ क्लासेज लेता, वापिस आता, मॉड्यूल्स के रट्टे मारता। मैंने कभी NCERT की जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैंने जो फर्स्ट टॉप था उसमें कभी नहीं उठाई, ना ही मुझे ये पता था कि नीट का एग्जैक्टली पैटर्न क्या होता है, नीट का एग्जाम कैसे होता है, उसमें एग्जाम का लेवल क्या होता है, कट ऑफ्स वगैरह कुछ नहीं पता था। बस मैं अंधाधुंध जैसे ही कोचिंग में गया, क्लासेज लेता, आता, रट्टे मारता, फिजिक्स के क्वेश्चन जो करता वो सॉल्यूशन सामने देख के और फिर करता। अब आप समझ रहे हो इतने नेगेटिव अप्रोच के साथ कोई बंदा नीट कैसे निकाल सकता है। और यू विल बी शॉक कि जब मैंने फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम जब नीट का एग्जाम दिया तो मेरे फर्स्ट टाइम से स्कोर घट गया। मीन्स पहली फेज जब मैंने बिना कोचिंग की थी 359 स्कोर किया, और जब मैंने कोचिंग के साथ नीट का एग्जाम दिया नीट 2018, वो स्कोर जो है डिक्लाइन होकर 351 पे आ गया। अब आप सोचो उस वक्त जो है पेरेंट्स की और मेरी थिंकिंग क्या होगी। मैं लिटरली शॉक था, होपफुली आप भी शॉक जरूर हुए होंगे कि कोई बंदा जो है बिना कोचिंग के 359 स्कोर करा और एक साल 365 दिन मेहनत करके। क्या मेहनत, मतलब मेहनत मैंने किस वे में की थी। जब भी मैं कोई टेस्ट देने जाता तो ओवर कॉन्फिडेंस पीछे ओवर कॉन्फिडेंस जाता कि हाँ आपके पास टेस्ट में स्कोर जो मैं फोड़ दूंगा। और जब मैं AIR फर्स्ट को अपने आप से कंपैरिजन करता तो यही सोचता कि यार सामने वाला बंदा जो है मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ या फिर क्या गलतियां हो रही कि सामने वाला बंदा जो है वो AIR 1 है, उसका स्कोर इतना, मेरा इतना, वो भी सेम टीचर से पढ़ रहा है, सेम टीचर से मैं पढ़ रहा हूँ, वो मेरे से मान लीजिए 1 घंटा ज्यादा पढ़ रहा है, लेकिन मैं भी 6 से 7 घंटे की सेल्फ स्टडी दे रहा हूँ, वही टीचर पढ़ाने वाले उसको है, वही मॉड्यूल्स पढ़ने वाला वो है और मैं भी पढ़ रहा हूँ, फिर गलतियां क्या हो रही है। और अब समझ गए होंगे कि गलतियां कहाँ हुई थी। इतनी नेगेटिव अप्रोच के साथ मेरा स्कोर जो है 351 आया और माइंड जो है इतना नेगेटिविटी से भर गया, मेरा जो कॉन्फिडेंस जो था वो नियरली सेंटर ऑफ अर्थ में था, मैं सोच नहीं पा रहा था एग्जैक्टली करूँ क्या। और माइंड में ये चीज़ ये थी कि 2 साल बर्बाद हो गए,
अब इस थिंकिंग के साथ जब मैं कोचिंग के हॉस्टल में था तो एक ही माइंड में आ रहा था, चीजें क्या थी मुझे बताने में थोड़ी शर्म भी आ रही है, लेकिन आप ऐसे बहुत सारे बंदे जो हैं वो छोटी छोटी बातों को लेकर इतना पैनिक हो जाते हैं। लेकिन एक चीज देखिए, आप इन जो ये साइंस हैं और ये जो साइंस हैं ये किसके हो सकते हैं? जब हुआ नहीं और स्कोर कम हुआ तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि घर वालों के सामने जो है, उनके घर वालों के इतने पैसे बर्बाद करने के बाद मैं उनसे नजरें मिला सकूं, उनको बोल सकूं कि मेरे को एक और ड्रॉप चाहिए। कट लगाते ही मैं डर गया, इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आगे स्टेप मैं बढ़ा सकूं। मैंने इस कट को धो के जलाया ताकि घर वालों को ये ना लगे कि कट है यहाँ पे, और उन्हें लगे कि हाँ गलती से जला है। घर गया, घर वालों से मिला, उन्होंने बात की, मेरे को समझाया थोड़ा और कन्विंस किया कि मैं नेक्स्ट जो है एक बार ड्रॉप जो हो और ले लूँ और अच्छे से प्रिपरेशन करके दोबारा से नीट दूँ। और अच्छी बात ये रही कि मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे को डांटा नहीं कि भाई तूने एक साल बर्बाद कर दिए, हमारे पैसे बर्बाद कर दिए। बेसिकली मैं नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट स्टिल उन्होंने कभी मेरे को इस बात के लिए टोका या फिर पैनिक होने नहीं दिया। थर्ड टाइम में मैं दोबारा कोचिंग करने गया तो इस टाइम मैंने जाने से पहले पैटर्न को जाना, एग्जैक्टली नीट का पैटर्न है क्या, एनसीईआरटी की वैल्यू जो थी वो मेरे को उस फेज में या फिर थर्ड अटैम्प्ट में अगर पता चली थी, सब कुछ जाना कि नीट का एग्जैक्टली पैटर्न क्या होता है, नीट में क्या आता है एग्जैक्टली, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। दोबारा कोचिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की, लेकिन इस बार मैंने अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट की, मेरे को पता चल गया था कि एग्जैक्टली करना क्या होता है, मैं अच्छे से फोकस होकर क्वेश्चन करता कर जाता जब विद टाइमिंग के साथ। सबसे पहले तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एंड बायोलॉजी के, बायोलॉजी की मैंने एनसीईआरटी रीडिंग स्टार्ट की, गलती कहाँ हुई फिजिक्स और केमिस्ट्री की, स्पेशली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इस बार भी मैंने कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, इसका कंसिक्वेंस मेरे को इस साल भी भुगतना था। कहीं ना कहीं मेरे को ये रियलाइज हो रहा था कि हाँ मैं नोटबुक अच्छे से रिवाइज कर रहा हूँ, मॉडल के क्वेश्चन भी सोल्व कर रहा हूँ, बट इतना कॉन्फिडेंस नहीं था अपने पोटेंशियल पर कि हाँ मैंने 100% पोटेंशियल जो है वो यूज किया है। कंसिक्वेंसेस क्या हुए, नीट 2019 नीट की हिस्ट्री का सबसे ईजी पेपर था और मेरा स्कोर जो है वो 548 रहा, 359 से डिक्लाइन होके 351 और फिर अचानक से इंक्रीमेंट आया 548, बट स्टिल ये स्कोर जो था इनफ नहीं था कि मेरे को इस बार भी एमबीबीएस की सीट दिला दे, क्योंकि हरियाणा की कट ऑफ उस टाइम 570 के आसपास गई थी। अब 3 साल लगातार हारा, एक बात बताना भूल गया, लगातार 2 साल तक 17 और 18 में मैंने कम से कम 6 से 7 और इस बार 3, यानी कि मैंने 9 एग्जाम्स दिए और 9 के 9 एग्जाम्स में क्लियरली फेल, किसी में भी मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, ना ही नीट में हुआ, ना एम्स में, ना आईसीआर में, ना जिपमर में, ना CCS HAU में, लोकल जो एग्रीकल्चर था उसमें भी नहीं हुआ। मेरी मेहनत में कमी नहीं थी, मेरे अप्रोच में कमी थी, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं था। इस बार मेरा लक खराब था कि जो कट ऑफ जो था वो ऊपर चला गया, और थैंक गॉड कट ऑफ ऊपर चला गया था, पर मैं आज आपके सामने शेयर नहीं कर रहा होता अपने एम्स तक आने के सफर को। एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद ये स्कोर आया, उसके बाद घर वालों के पास गया, और उस टाइम एक मेरे साथ बहुत गंदा फेज जो है मेरी फैमिली के लिए या फिर मेरे लिए लगा लीजिए, मेरे एक फैमिली मेंबर जो मेरे सगे अंकल थे उनकी डेथ हो गई, और उस टाइम पर आप लगा लीजिए मैं लगा लीजिए 3 साल लगातार घर वालों के पैसा बर्बाद करने के बाद इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं सामने से पेरेंट्स को जाकर ये बोल सकूं कि पापा मुझे एक और मौका चाहिए नीट की प्रिपरेशन के लिए। और मैं मन ही मन में बता नहीं सकता था किसी को, घुट रहा था अंदर और एक कोर्नर में जाके रो रहा था कि एग्जैक्टली मैं करूँ क्या, मुझे दोबारा से अब सपने को छोड़ तो नहीं सकता मैं बीच में। एक रात पूरी रात रोया, घर वालों से अलग रहा, सुबह जगा एक अच्छे माइंड से, मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे BSc करनी है, लेकिन पापा एकदम से शोक लगे कि 3 साल नीट की प्रिपरेशन करने के बाद वो लड़का ये बोला कि मेरे को BSc करनी है, तो उन्होंने मेरे को डांटा। उसके बाद मुझे बाई गॉड ग्रेस पता चला कि BMS के फॉर्म जो है वो निकले हुए हैं, BMS के फॉर्म अप्लाई किए और मेरे फर्स्ट राउंड में ही हरियाणा का टॉप मेडिकल कॉलेज, टॉप BMS कॉलेज श्री कृष्ण आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, आप सर्च कर सकते हैं, वहां से मैंने BMS की फर्स्ट ईयर की क्लासेज लेना शुरू की। बट दिक्कत ये थी कि इस बार मैं घर वालों पे कोई भी प्रेशर नहीं डालना चाहता था, क्योंकि पास्ट कंडीशंस ऐसी खराब थी और 3 साल मैंने लगातार उनके पैसे बेच के, तो मैंने इस बार सोचा था कि चाहे कुछ भी हो इनको पता तक नहीं लगने दूंगा नीट प्रिपरेशन, 1 साल अगर नहीं हुआ नेक्स्ट ईयर भी उस चीज के लिए जिम्मेदार मैं अकेला होऊंगा, इस बार इनकी फीलिंग्स को हर्ट मुझे नहीं करना है। मैंने उनको नहीं बताया बिल्कुल भी कि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट जो है वो देने वाला हूँ। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे जितने भी कोचिंग के नोट्स बुक्स या फिर कुछ भी शॉर्ट नोट्स जो भी थे वो मेरे घर पे थे, और होता यह कि जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ, कहीं पर भी हो, चाहे मेरे को कोचिंग जाना हो चाहे कॉलेज जाना हो,
मेरे पापा जो हैं वो मेरा बैग पैक करते हैं सुबह जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ, और उनके सामने मैं मेरे कोचिंग के नोट्स या फिर बुक्स जो है वो नहीं डाल सकता था। ऑब्वियस सी बात है, वो सिंपल सी बात है, वो ये पूछते कि भाई तुझे ये नोट्स किसे चाहिए, और मैं बता नहीं सकता था कि मेरे को एक और अटैम्प्ट देना है, बट मैं इस बार आपकी हेल्प नहीं लेना चाहता। ऐसा नहीं था कि वो हेल्प कर नहीं सकते थे, बट मैं नहीं चाहता था कि ये फिनेंशियल से ज़्यादा थोड़ा इमोशनल इश्यू था मेरे लिए कि मैं पेरेंट्स को इस लगातार 3 साल रुलाया है, अब मैं उनको ना रुलाऊँ। कोचिंग सॉरी, जब मैं बीएमसी क्लासेज लेना स्टार्ट की तो दिक्कत ये होती है कि जब भी हम किसी कॉलेज में एंटर होते हैं, चाहे वो बीएमएस का हो, एमबीबीएस का हो, बीएससी, एमएससी या फिर कोई भी कॉलेज लगा लीजिए, जब भी हम एंट्री करते हैं तो फ्रीडम मिलती है अपन को। और वही मेरे साथ भी हुआ, जैसे ही मैं कॉलेज के अंदर गया तो नए दोस्त मिले, नई फ्रीडम मिली, कॉलेज, मूवीज, पार्टीज, घूमना, बहुत ज़्यादा मौज मस्ती की। यानी कि नियरली मैंने दिसंबर 3 तक बहुत मौज मस्ती की उस महीने। हाँ, हालांकि मेरे को माइंड में बैकअप में ये याद था कि मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी, और मैं बेसिक्स जो था उस टाइम पर और रिवाइज कर रहा था धीरे धीरे, नोटबुक्स और जितना भी रिवाइज कर रहा था। लेकिन आप पूछो कि नोटबुक्स वगैरह आई कहाँ से, मैं घर से कोई नोटबुक नहीं लेके गया था। जो मेरे पेरेंट्स मेरे को पॉकेट मनी देते थे जो भी थी, उस पॉकेट मनी को स्टोर करके मैंने नियरली जाने से पहले, वहां पे जाने के बाद और कॉलेज एंट्री से पहले मैंने जितनी भी 10 बुक्स जो होती हैं एनसीईआरटी की, वो मैंने बाय कर ली थी। ये सारी चीजें जो थी ये मैनेजेबल थी, ये इजीली थी, मैं मेरे खर्चे पे कर सकता था। प्रिपरेशन स्टार्ट की दिसंबर से, जनवरी, फरवरी, यहाँ तक मैं नॉर्मली चलता रहा, अपने दिन में 10 से 12 घंटे नॉर्मली पढ़ता रहा, और थोड़ी थोड़ी मौज मस्ती, बाहर घूमना, मूवीज देखना, ये सब भी मेरे साथ चलता रहा। इन सब होने के बाद ये सारी चीजें वो थी जो मैं इजीली मैनेजेबल थी, मैं खुद मैनेज कर सकता था इजीली। लेकिन मेन प्रॉब्लम जो थी, मेन दिक्कत जो थी, वो अब स्टार्ट हुई थी। कब, आपको पता होगा, नियरली 23 मार्च या फिर हाँ नियरली 23rd to 24th मार्च लॉकडाउन लगा था, कंप्लीट लॉकडाउन, और उसमें जितने भी इंडिया के कॉलेजेस, हॉस्टल जो थे वो सारे बंद हुए थे, और मैं हॉस्टल में रहता था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली मैं करूँ क्या। मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई थी जब सारे दोस्त जो थे मेरे, दोस्त जब बैग पैक कर रहे थे, मैं कॉर्नर में जाके ये सोच रहा था कि एग्जैक्टली मेरे को हॉस्टल में रुकू तो रुकू कैसे, क्योंकि हॉस्टल वाले तो अलाउड करेंगे नहीं और खाने की फैसिलिटी होगी नहीं। अगले दिन पूरी रात सोचता रहा, मेरे को नींद तक नहीं आई। अगले दिन उठा, उठने के बाद पूरे दिन भूखा प्यासा, और मैं सर्च करता रहा आसपास पीजी, कोई पीजी मिल जाए, ताकि मैं मिनिमम जो 10 से 15 दिन की लॉकडाउन हुआ है, जो इनिशियली उन्होंने बोला कि भाई 10 से 15 दिन का लॉकडाउन है, आपको 10 से 15 दिन घर जाना है आपको, मैं उस फेज में किसी तरह जो है वो गुजारा कर सकूं खुद का। जो भी मेरे को पीजी मिले वो मेरी पॉकेट मनी से नियरली 3 to 4 times ज्यादा पेएबल थे, और मेरे पास इतना था नहीं। कोइंसिडेंटली बाय गॉड ग्रेस शाम को मुझे एक पीजी मिला जो नया स्टार्ट हुआ था। उस पीजी में मैंने इनिशियली 10 days के खाने और रहने के मैंने उनको पे किया, और मैं रहने लग गया, और वहां पे प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी। लेकिन दिक्कत ये हुई कि लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड हो गया और कंप्लीटली लॉकडाउन हो गया। अब ये जो था मेरे लिए सबसे गंदा फेज था, प्रिपरेशन फेज के लिए भी, फिनेंशियली भी, और हर तरीके से, क्योंकि उस पीजी में मेरे अलावा कोई बंदा नहीं था। मैं कम से कम 10 से 15 दिन में मेरे आसपास कोई बंदा देखता था, मैं अकेला रहता था, कोई वहां पे फिजिकली मेरे पास रहता नहीं था कि मैं उनसे बात कर सकूँ, या फिर यानी कि 24 घंटे दिन रात मेरे को उस अकेले हॉस्टल में 10 by 15 के कमरे में अकेला मैनेज करना होता था सब कुछ। ये सब जो था चल रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि करना तो है ही अब, और मेरी मजबूरी, मैं घर वालों को ये नहीं बोल सकता। जब भी घर वाले, मम्मी जब भी मेरे पास कॉल करते तो मैं ऊपर छत पे जाता, छत पे जाके सिंपल से एक बात बोलता कि हाँ, एक ऐसा रहता कि मोम को पता है कि भाई मैं फ्रेंड से थोड़ा ज्यादा इंटरेक्टिव हूँ, तो वो मेरे से सिंपल से एक बात पूछते कि भाई तेरे फ्रेंड्स वगैरह कैसे, और मैं सिंपल से एक बात जवाब दे देता, और डेली मैं वही झूठ बोलता था कि हाँ मोम मेरे सारे फ्रेंड्स अच्छे हैं, मैं हॉस्टल के ऊपर जाके बात कर रहा हूँ, नीचे जो खेल रहे हैं और वहाँ पे नेटवर्क की कमी, और वो शोर कर रहे हैं इसलिए मैं ऊपर आके बात करता हूँ, और सिंपली से हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो मेरा सब कुछ जो वो लगातार 5 महीने तक 6 महीने तक 5 से 6 महीने तक मेरा सब कुछ यही चलता रहा। फाइनेंशियल दिक्कत हुई तो जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने थोड़ी हेल्प की, कुछ फ्रेंड्स थे उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। फ्रेंड्स जो थे स्पेशली मेरे लिए जो लास्ट का जो ईयर रहा है उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। उसके बाद प्रिपरेशन फेज जो है मैंने कंटिन्यू रखी एनसीईआरटी के बहुत ज़्यादा, यानी कि नियरली एनसीईआरटी के मैंने स्पेशली बायोलॉजी की कम से कम 22 बार रिवाइज की थी मैंने नियरली इन द 8 months, जिसका रिजल्ट जो है मैं अब आपको आगे बताऊंगा, आप लिटरली शॉक हो जाओगे कोई बंदा बीएमएस में रहते हुए बिना किसी कोचिंग के बायोलॉजी में इतना अच्छा स्कोर कैसे कर सकता है। मैं आपको बता देता हूँ, अभी मेरा बायोलॉजी में स्कोर जो था वो परफेक्टली स्कोर था 360 आउट ऑफ 360 बिना किसी कोचिंग के।
इस प्रिपरेशन फेज के दौरान मेरे अंदर जितना पोटेंशियल था, जितनी ताकत थी, जितने मशीन की तरह मैं लगा रहा कम से कम इन 5 से 6 महीनों में, और 13 सेप्टेम्बर, नियरली 13 सेप्टेम्बर वो दिन आया जिस दिन नीट जो 2020 होने वाला था, उससे पहले दिन आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। 12 दिसंबर शाम को मेरे सीनियर जो है वो मेरे को पिक करने आए। मैं सेंटर पे गया और वहाँ पे नियरली आसपास होटल देखा और उसमें मैं शाम के रहने का जो व्यवस्था थी वो कर ली थी मैंने बेसिकली। अब उस दिन कॉल आता है मॉम का शाम को कि भाई कल जो हो नीट का एग्जाम है और तेरे मामा की जो लड़की है, जो कजन है, वो एग्जाम देने जा रही है, तो उसको गुड लक विश कर देना। और बच्चे जो हैं वो इस लॉकडाउन के कारण पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, इसी कारण बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं। तो सही रहा तूने इन सब के बारे में नहीं सोचा और अपने BMS अच्छे से कर रहा होगा और तेरी BMS अच्छी चल रही है, ऐसे वैसे पूछने लगे। और मैं स्माइल कर रहा था, लेट रहा था, स्माइल कर रहा था, स्माइल कर रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा एक्टिंग करते हुए गुस्से में बोला कि मोम प्लीज दिमाग खराब मत करो कि लास्ट ईयर नीट देना था वो मैं दे चुका, आप क्यों दिमाग खराब कर रहे हो बार बार नीट बोल के। कजन को गुड लक बोलना है मैं बोल दूंगा, टेंशन मत लो, आप बोलना पड़ रहा था, मजबूरी थी। उनको बता नहीं सकता था कि जो स्ट्रेस बच्चे जो है वो लगातार उस लॉकडाउन में 5 से 6 महीने झेल रहे हैं, पोस्टपोन होगा नहीं होगा जो झेल रहे हैं वो मैं ऑलरेडी झेल रहा था। और गाइस ये मानो या ना मानो ये पेज बहुत गंदी थी, क्योंकि 10 दिन पहले तक सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी कि नीट एग्जैक्टली होने वाला है या नहीं। बट स्टिल ये प्रिपरेशन जो थी वो करनी तो थी, तो अच्छे से मैं प्रिपेयर हो चुका था। बेसिकली मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया था हर चीज को, फिजिक्स केमिस्ट्री हो या बायो हो। लास्ट में जब मैं एग्जाम देके आया, एग्जाम मैंने अगले दिन गया दिया, मॉम्स की ब्लेसिंग मैं ले चुका था फोन के थ्रू पेरेंट्स की। और जब मैं एग्जाम देके आया, जब मेरे सीनियर ने बाहर मेरे को पिक किया और उन्होंने बोला कि भाई जरा एग्जाम जो है वो कैसा हुआ, मैंने एक लाइन बोली जो आई थिंक आप लोगों को खुद के ऊपर होना चाहिए। मैंने केवल एक बात बोली कि डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बट मैंने मेरा जितना 100% पोटेंशियल जो है वो मैं दे चुका हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता एक एग्जाम में। उस वक्त तक मेरे को पता नहीं था कि मेरा स्कोर क्या रहने वाला है, मे बी मैं फेल हो जाऊँ, मे बी मैं पास हो जाऊँ, बट मैंने उन्हें बोला था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं BMS भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करूंगा, और जिन एग्जाम्स BMS एग्जाम्स में ऑब्वियसली फेल होने वाला ही था तो मैं वो एग्जाम भी दूंगा। और मेरे जो क्लियर होने का, जो एग्जाम क्लियर होने का सबसे मेन कारण था वो मेरा खुद का डर था, जिसने मेरे को लगातार मोटिवेट करके रखा। डर किस चीज का था? ऑब्वियसली आप BMS में जा रहे हो, जो हर कोर्स का एक स्टार्टिंग फेज जो है, जो फर्स्ट ईयर होती है वो बेसिक होती है, और अगर आप फर्स्ट ईयर वीक है तो आपका कंप्लीट कोर्स जो नियरली वीक होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो डर था कि अगर मेरा BMS मैं नीट जो है वो अगर मैं नीट की तैयारी करूंगा तो BMS छूटेगी, BMS की तैयारी करूंगा तो नीट की प्रिपरेशन ढंग से नहीं हो पाएगी, और अगर मैं बाई चांस नीट में फेल हुआ तो ऑब्वियसली उसका असर BMS पे जाएगा, BMS में फेल, और घर वालों को मुंह दिखाने लायक नहीं होगा कि पापा मैं 3 साल लगातार जो है वो नीट में फेल हुआ और अब जो हो BMS में फेल होके आ गया। तो आप सोच सकते हो पेरेंट्स के ऊपर उस चीज का इफेक्ट क्या जा सकता था। बट स्टिल एग्जाम दिया, वापिस अपने PG में वापिस आया, स्कोर मिलाने की चोर मच रही थी। तो जैसे ही मैंने स्कोर मिलाना शुरू किया, सबसे पहले मैंने फिजिक्स का मिलाया, फिजिक्स में 151, मैं तो लिटरली शॉक हो गया कि मेरे फिजिक्स में 151 आए हैं, 151 आए हैं। तो मेरे दोस्त बहुत ज्यादा खुश थे कि हाँ भाई 151 स्कोर हो गया। केमिस्ट्री मैंने स्कोर मिलाया तो 156 आया, और बायो में तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं जैसे जैसे क्वेश्चन चेक कर रहा था मेरे हाथ जो थे वो कांप रहे थे, कोई क्वेश्चन तो एग्जैक्टली कोई तो गलत हो जाए ताकि ये रहे कि हाँ गलत हो गया, बट कोई भी क्वेश्चन जो वो गलत नहीं हो। और स्कोर जो था मेरा 360 था, तो 4 अटेम्प्ट में मेरा स्कोर टोटल जो हो 667 out of 720 था। अगले दिन मॉम का फोन आता है कि हाँ भाई तेरी बहन के नंबर जो है वो 620 बन रहे हैं, और वो तो बहुत खुश है और मॉम भी खुश है, हालांकि मैं बता नहीं पाया उस वक्त भी कि हाँ भाई मेरा स्कोर जो 667 बना हुआ है, बट खुद को कंट्रोल रखा और मैं स्माइल करता रहा जैसे जैसे वो बोलते रही। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यार घर वालों को ये थोड़ा देखना कि भाई उसकी कजन जो है वो क्लियर कर रही है और 2 साल हमारे बेटे ने तैयारी की और फिर भी नहीं हुआ। बट स्टिल एग्जाम दिए और एग्जाम के बाद मैं घर गया, पापा पिकअप करने आए, और जैसे ही मैं घर गया वो खुश थे क्योंकि मैं नियरली 1 साल अपने घर नहीं गया था, चाहे वो होली हो दिवाली हो कोई भी फेस्ट हो मैं घर नहीं गया था, क्योंकि मुझे पता था एक बार मैं घर गया मेरी सारी प्रिपरेशन फेज जो वो चली जाएगी। मेरे विंटर वैकेशन हुए उसमें भी मैंने घर वालों से बहाना बना दिया था कि मोम मैं क्या करूंगा घर पे आगे, और वैसे भी यहाँ पे सारे दोस्तों गए हुए तो मैं कहीं नहीं आ रहा, मेरे को हर जगह बहाने बनाने पड़े थे। यहाँ तक कि विंटर वैकेशन में मेरा पूरा हॉस्टल खाली था और मैं और एक सीनियर थे, सीनियर ऊपर रहते थे, मतलब हम दोनों जो हो हॉस्टल में रहते थे, खाने का मैनेज भी खुद करते, तो
थोड़ा अजीब फेज रही है, बहुत स्ट्रगलिंग फेज रही है, बट अच्छा था कि मुझे पता चला कि एग्जैक्टली लाइफ क्या होती है, मुझे बहुत सीखने को मिला। और इसमें कोई इमोशनल बात नहीं है, बहुत प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, और मेरे साथ हुआ था तो मुझे बताने में कोई दिक्कत भी नहीं है। घर गया, घर पे पेरेंट्स मिले, खुश थे, तो मुझे लगा कि इनकी खुशी को डबल कर देना चाहिए। सारे फ्लोर पर बैठे थे, मैं गया, पेपर लिया, पेपर को मॉम के पैरों के पास रख दिया, और मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे लिटरली नहीं पता, मैं रोने लग गया, क्राइंग क्राइंग एंड क्राइंग। और मेरे पापा मम्मी ये पूछ रहे थे व्हाट हैपेंस व्हाट हैपेंस व्हाट हैपेंस। मैं मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी या फिर कुछ समझ में नहीं आती कि एक्चुअली उसको बोलूं क्या यार, 4 साल से कोई बंदा किसी एक चीज के पीछे से लग रहा है, फिर पेरेंट्स की है, मतलब बिना बताए वो चीज लेके आता है फिर पेरेंट्स के सामने रखता है। मेरी मम्मी को पता नहीं कैसे पता चला, और पापा ने जैसे ही वो पेपर उठाया तो उन्होंने चश्मा लगाया और चश्मा लगा के देखा कि भैया क्या एग्जाम, तो उन्होंने पूछा भाई किस चीज का पेपर है, और ये 667/720 क्या मतलब इस चीज का है क्या ये। तब मेरी मम्मी को पता नहीं कैसे फील हुआ और उन्होंने बोला कि मेरे बेटे ने तो नीट का एग्जाम दिया। मैं उनकी थोड़ी हरियाणवी टोन में, बेसिकली हरियाणा से, तो थोड़ी हरियाणवी टोन निकल सकती है, सॉरी फॉर दैट। तो उन्हें लगा कि इसने एग्जाम दिया है, और मेरे मॉम और डैड का जो फेस था, यू कांट इमेजिन। और ये फीलिंग है, मैं एग्जैक्टली आपके सामने शेयर नहीं कर सकता, जैसे उन्होंने और मेरे को फील किया, उनके चेहरे का रंग उड़ गया, लिटरली उनका वो शोक थे। पापा तो ये बोल रहे थे कि तूने ये किया कैसे, और उन्होंने ये बोला कि ये जो तूने किया है ना, मेरे लिए लाइफ टाइम की मिस्ट्री बन गई है कि एग्जैक्टली तूने किया कैसे और किस फेज से तू गुजर के किया हो। थोड़ा शोकेबल था उनके लिए, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा शोकेबल था। इतने खुश शायद मैंने पहली बार मेरे पेरेंट्स को देखा था, और वो भी मेरी वजह से। आप सोचो कि आपकी खुद की वजह से आपके पेरेंट्स की आंखों में आंसू हो, बट 3 साल में जो दुखी होने के कारण आंसू थे और वो चेंज होते हैं लगातार बिना उनकी हेल्प के, और फिर अचानक से उन्हें ये पता चलता है कि हाँ हमारे बेटे का जो है इतना स्कोर है 667/720, और बायोलॉजी में उसका स्कोर 360 है। तो आप सोच सकते हैं उनके माइंड में क्या लगा होगा, क्या उन्होंने सोचा होगा। यही कुछ थी मेरी स्टोरी, जो है थोड़ी अजीब, थोड़ी मिस्टीरियस भी है, थोड़ी अजीब भी है, थोड़ी वियर्ड भी है। कुछ लोग यूजर भी बोलते हैं, कुछ लोग शोकेबल भी बोलते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं इसने एग्जैक्टली ये किया तो किया कैसे। मुझे नहीं पता आप इस स्टोरी को आप अपने ऊपर किस तरह अप्लाई करते हो, या फिर इस स्टोरी से क्या इन्फेरेंस निकालते हो खुद के ऊपर, आप क्या सीख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने ऑलरेडी रश्मि मैम ने बताया कि मेरे यूट्यूब चैनल है, अगर आप चाहो, आपको लगता है कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। करीबन 8,000 से ऊपर लोग जो है मेरे साथ अभी जुड़ चुके हैं कुछ 40 से 50 दिनों के बीच। अगर आपको लगता है कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ, तो प्लीज आप चैनल को जो हो सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई क्वेरी हो तो मैं इंस्टा हैंडल जो हो नीचे डाल रहा हूँ, आप उसमें क्वेरी डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको पंकज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो स्टे ट्यून्ड, और नेक्स्ट मिलते हैं बैंगलोर के व्लॉग में। सी यू गाइस, बाय।